सोलन नगर परिषद बाईपास पर रेहड़ी फड़ी चालकों पर 2 दिनों से कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसमें उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनका सामान भी जब्त किया जा रहा है। कुछ नेता इन रेहड़ी फड़ी चालकों पर हो रही कार्रवाई का विरोध भी कर रहे हैं। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि अचानक इन रेहड़ी फड़ी चालकों पर नगर परिषद ये कार्रवाई क्यों कर रही है, जब इस बारे में नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वे भी उन पर कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, लेकिन जहां वे अपनी दुकानदारी कर रहे हैं वहां से 4 लेन निकलना प्रस्तावित है। 4 लेन अधिकारियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से ये स्थान खाली करवाने का आग्रह किया है, जिस पर नगर परिषद द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार ने बताया कि उपायुक्त सोलन के आदेश पर बाईपास पर लगे दुकानों को हटाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाईपास पर 4 लेन का निर्माण कार्य आरंभ किया जाना है और जहां दुकानें लगी हैं वहां खुदाई की जानी है, जिसके चलते रेहड़ी फड़ी चालकों को ये आदेश दिए गए थे कि वे यहां से ऐसे स्थान पर जाकर अपनी दुकानदारी करें जहां यातायात प्रभावित ना हो और ना ही कानून व्यवस्था बिगड़े, लेकिन उन्होंने नगर परिषद के आदेश नहीं माने, इसलिए ना चाहते हुए भी उन पर कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिला प्रशासन द्वारा हमारे को आदेश दिए गए हैं कि सपरून चौक पे जितने भी रेहड़ी फड़ी वाले बैठे हैं उनको उठाया जाना है, क्योंकि वहां 4 लेन का काम चलना है, फ्लाईओवर बनेगा या कुछ डिगिंग होगी और सड़क नीचे उसको डिगिंग करके नीचे डाउन करना हो उसको, तो उसको जब तक वो लोग वहाँ से हटते नहीं हैं तब तक ये काम होने वाला नहीं है। इसलिए लगातार 2 दिन से प्रशासन की ये हमारे को हिदायत है कि मुहिम चला करके उनको वहाँ से उठाया जाए। इसी कड़ी में कल भी हमारे लोग गए थे, आज भी हमारे लोग गए थे, हम लोग मैं खुद भी गया था, लेकिन वो अब तक लोग उठे नहीं हैं, उनकी कुछ शर्तें हैं। और जो हमारे पास रजिस्टर्ड वेंडर थे उनको हम वेंडिंग जोन जो हमारा बना हुआ है वहाँ पर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत कमी पेशी है, उसको रेक्टिफाई करने के बाद उनको शिफ्ट करेंगे वहाँ पर। हाँ, उसमें टॉयलेट वगैरह का कुछ छोटा प्रावधान करना है, टॉयलेट वैसे तो बने हैं उसको जोड़ना है, काम हमारा लगा हुआ था, पीछे भी हमने काफ़ी काम किया है और शटर भी लगने हैं दुकानों में अभी तक। अगर हम नई शटर लगते हैं तो कुछ सोचते हैं कि बाहर कॉमन गेट लगाया जाए, जिसके एक गेट को बंद करके सारी मार्केट बंद हो सके रात को, ऐसा कुछ प्रावधान करने हैं, अब ये मामला हमारे विचाराधीन है। हाँ, ये जारी रहेगी क्योंकि 4 लेन का काम तो नहीं रुकेगा, ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है, जन सुविधा के लिए है, इस काम को तो नहीं रोका जा सकता है। और फिलहाल इन लोगों को हमने ये बताया कि आप कहीं आगे पीछे अपनी सहूलियत के मुताबिक ऐसी ऐसी जगह पर शहर में बैठ जाओ जहाँ पर आपकी रोजी भी चलती रहे और कोई ट्रैफिक हजार ना हो, कोई किसी प्रकार की और लोगों को परेशानी ना हो।